डियर फ्रेंड, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल्स। टुडे आई विल टीच यू ए पोएम माई मदर एट 66। मैं ये इंटरमीडिएट की पोएम है। फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, कि जो मेरी मदर है वो क्या है, 66, मतलब जो 60 प्लस, जो मतलब क्या है, 60 के बाद जो आती है ना, मतलब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। 66 मतलब 66 साल की हो गई है, मतलब वो क्या है, बूढ़ी हो गई है। जो इसकी पोएटेस हैं वो कमला दास हैं, ठीक है। कि स्टूडेंट्स ने हमसे बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे मतलब बताया, इंफॉर्मेशन दी है, कंप्लेंट की, सर आप ये बताइए पोएम सर समझ में नहीं आती है, कैसे समझ में आए। स्टोरी तो समझ में आ जाती है बट पोएम समझ में नहीं आती है। डियर स्टूडेंट, बता दें पोएम हमें इसलिए नहीं समझ में आती, वो स्टोरी की तरह नहीं लिखी होती है। जो पोएट या पोएटिस होते हैं या ऑथर होते हैं या राइटर होते हैं, जो पोएट और पोएटिस होते हैं वो उन लोगों को मतलब क्या है ना, उनको अथॉरिटी देती है, उसमें उस जो रियल मीनिंग होता है वो दिया नहीं रहता है। एक्चुअली वो क्या है, किसी से कंपेयर करके, वो किसी से मतलब तुलना करके उस पर वो वर्ड डालते हैं। तो कहीं पे मतलब वो अगर पोएट जाते होंगे तो कल्पना करते हैं ना, तो कल्पना करते करते वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। उस अगर ये दीवार है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड को ये मनुष्य के समान बना देंगे, तो क्या है ना, वो बोर्ड की जगह पे दूसरा मीनिंग आ जाता है, वो मनुष्य तो बोर्ड को। ये क्या होती है, एक काल्पनिक, जो काल्पनिक बातें की जाती हैं, पोएट को अथॉरिटी दी जाती है कि आप कोई भी मतलब वर्ड को कोई भी मतलब लिख सकते हैं, ये सिर्फ पोएट या ऑथर को रहता है। इसलिए जो होता है ना, इसलिए हम लोगों को पोएम समझ में नहीं आती है, ठीक। इसका कारण यही है कि इसकी रियल जो मीनिंग होती है एक्चुअली में वो नहीं दी होती है, ठीक सर। दूसरा कारण ये, एक तो ये कारण हो गया, और पोएम सर समझ में कैसे आए ये बताते हैं। कि पोएम सर समझ में, जब आप जैसे एक मूवी होती है या गाना होता है, जब सर आप उसमें जाते हो ना, आप वो गाना, आप वो मूवी की स्टोरी है ना, आप अपने में लीजिए, वो तब कहानी ज़्यादा समझ में आती है। अब जो गाना होता है ना, एक दुख मतलब एक सैड सॉन्ग होता है, एक हैप्पी सॉन्ग, एक लिरिक सॉन्ग होता है, एक एलिजी सॉन्ग होता है, ये क्या होता है, आप उस गाने में वे में जब तक जाएंगे नहीं, तब तक आपको फीलिंग नहीं लोगे, जब तक आपको गाना समझ में नहीं आता। एक फ्रेंड्स मतलब डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, जो लता मंगेशकर जी हैं, जिनको बोला जाता है स्वर कोकिला, मतलब वो अब इंस्पायर हो चुकी हैं। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था उनके, लता मंगेशकर में, कि आप किसी चीज़ को आप तब तक नहीं समझे जब तक आप उसके वे में नहीं जाते। आपको समझने के लिए ना, आप उसके रोल में जाना पड़ेगा, उसके वे में जाना पड़ेगा, ठीक, तब वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो लता मंगेशकर ने शायद ये चीज़ सही बात कही थी कि पोएम जो है, या अगर गाना है, आप उसमें उस लय, आपको उस लय में या वे में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आपको जाना। अगर सैड की बात हो रही है तो आपको सैड की उसमें जाना पड़ेगा, अगर खुशी वाली बात है तो खुशी के उसमें जाना पड़ेगा, आपको दुख, अगर दुखी वाली बात है तो आपको दुखी होना पड़ेगा, खुशी वाली बात है तो खुश होना पड़ेगा, इन्जॉय वाली बात है तो इन्जॉय होना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको उस वे में जाना पड़ेगा, अगर वे में नहीं जाएंगे तो आपको शायद क्या है ना, कि उस चीज़ को आप फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है समझने में, ठीक है। तो चलते हैं इस पोएम पे, ठीक है, समझते हैं कि आज हम आपको पढ़ाएंगे इस पोएम के बारे में, तो शायद आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्या है, पोएट ये कमला, पोएटेस कमला दास हैं, ये बताती हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। इन्होंने एक अपनी ही कहानी, अपनी ही मतलब रियल जो है अपनी स्टोरी, एक मतलब एक स्टोरी का इवेंट है, मतलब एक घटना है, वो मतलब जो स्टोरी का इवेंट है एक पोएम के माध्यम से बताया है। कि उनकी जो है वो मतलब अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मतलब अपने घर आती हैं, और जब जैसे ही छुट्टियां बीत जाती हैं तो अपने मतलब वो छुट्टियां बीतने के बाद वो क्या है, अपने माँ और
अपने माँ और वो उनके साथ मतलब कार में बैठ करके अपने माँ के साथ कोची एयरपोर्ट मतलब कोची के एयरपोर्ट में उसमें कार में बैठ करके जाती हैं। तो उनकी माँ जो है ना अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो अपना दुख प्रकट कर रही हैं कि वो अपना बचपन याद करती हैं कि हमको इन्होंने पाला और जो वो बूढ़ी होंगे ये जाने वाली हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि स्टूडेंट्स कोई भी अपने माँ को खोना नहीं चाहता है, कि जिसने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया मतलब इस लायक बना दिया आज वो बूढ़ी हो चुकी है, तो वो अपना दुख क्या है ना अपना सैड जो है ना अपना सैड वो दुख इस पोएम के माध्यम से शेयर करती हैं। देखते हैं वो अपना दुख क्या शेयर करती हैं, वो घटना क्या होती है जब वो अपनी उनकी छुट्टियां बीत जाती हैं और वो कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं कार में बैठकर अपने माँ के साथ, वो क्या देखती हैं, कहती हैं, बताती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, ठीक, कि लिखती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे इवनिंग, मतलब जो पिछली शुक्रवार की जो सुबह थी मैं क्या हुई, मैं कार में बैठ करके मतलब घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, ठीक है। आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, अब बिसाइड मी वो क्या है मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज मीन्स क्या होती है उंघा रही थी, ओपन माउथेड उसका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन और उसका चेहरा एसन मीन्स क्या है राग की तरह लाइक दैट राग की तरह दिख रहा था। आप एक मतलब क्या है मैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मैं शुक्रवार की सुबह अपनी माँ के साथ कार में बैठकर मैं कोचिन एयरपोर्ट घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, फिर मैंने अपने माँ के उस फेस को देखा, उसका फेस मतलब वो उसका डोज मीन्स होता है जो मतलब नींद लेता है ना उंघा रहा होता है, तो मतलब उसके मतलब कुछ भी अब नहीं बचा है, ठीक है, मतलब क्या है कोई भी इतनी मतलब कमजोर हो चुकी है कि कमजोरी की मजे डूज मीन्स क्या उंघा रही है, ओपन माउथेड उसका मुंह क्या है अब खुला हुआ है, हर फेस उसका चेहरा एसन मीन्स राग की तरह लाइक दैट मतलब राग की तरह आप एक कार्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एन ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन, मतलब आप एक कार्प्स उसका हर फेस एशन लाइक दैट उसका चेहरा पीला पड़ गया है, एशन मतलब राख की तरह हो गया है, आप एक कार्प्स मतलब ऐसा हो गया है, कार्प्स मीन्स होती है डेड बॉडी, मतलब कार्प्स मीन्स क्या होता है सौ, जो मतलब ऐसा लग गया है कि एक सौ की तरह हो गया है, एक उस मरे हुए व्यक्ति की समान उसका चेहरा लग रहा है, एंड रियलाइज मीन्स होता है उसने महसूस किया विद पेन अपने दर्द को महसूस किया, एंड देट सी वाज एडोज, मतलब क्या उसने दर्द को महसूस किया कि वो क्या है वो बूढ़ी हो गई है, मतलब वो इतना बूढ़ी हो गई है, शी लुक दैट शी वाज एज ओल्ड एज, मतलब वो क्या है वो इतना बूढ़ी हो गई है कि शी लुक्ड वो दिखती है बट सो मतलब वो ऐसा दिखती है कि शायद वो मरने वाली है, वो अपना दुख शो करती हैं कि शायद वो मरने वाली है, पुट दैट थॉट अवे and looked out and at young trees sprinting the merry children spiling out of their homes but after the airports, likha hai put that thought abe, matlab is matlab jo dard unhone mehsoos kiya hai ki हमारी माँ अब मतलब इतना कमज़ोर रहे हैं कि उनका जो फेस है मतलब क्या है उनका फेस मतलब राख की तरह हो गया है, उनका फेस मतलब ऐसा लग रहा है वो उंघा रही हैं मतलब क्या ऐसा लग रहा है मरने वाली हैं, तो उस दुख को क्या है ना दूर करने के लिए उस मतलब जो थॉट है उससे दूर करने के लिए क्या करती हैं पुट दैट थॉट अवे, उस दुख को दूर करने के लिए वो बाहर अपने उस कार से अपने सर बाहर निकालती हैं
एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज, और बाहर क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्माइलिंग, जो मतलब यंग ट्रीज है, जो मतलब यंग ट्रीज है, स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है जब आप किसी वाहन में बैठे होते हैं, जैसे ट्रेन में या बस में, तो क्या है पेड़ क्या है घूमते हुए नजर आते हैं ना, उसी तरह क्या है उनको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग में से होता है क्या उनको पेड़ घूमते हुए, वो यंग ट्रीज मतलब वो घूमते हुए नजर आते हैं। एंड मेरी चिल्ड्रेन, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पाइलिंग मीन्स क्या होता है भागते हुए, आउट ऑफ देयर अपने घर से भागते हुए नजर आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट लग वो अपने मतलब जो मतलब क्या है कि पुट दैट थॉट अपने इस विचारों से मतलब बाहर निकलने के लिए एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग ट्रीज, वो अप यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो बाहर क्या देखती हैं कि जो जो पेड़ हैं वो क्या है भागते हुए, गोल गोल भागते हुए मतलब उनको दिख रहे हैं, और जो बच्चे हैं जो क्या है अपने घरों से बाहर निकलते हुए मतलब क्या है वो दिख रहे हैं कि जो जो यंग ट्री जो बच्चे हैं मतलब वो यंग जनरेशन, मतलब यहाँ पर क्या है एक जो कंपेयर किया गया है कि यंग ट्रीज और जो बच्चे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि ये न्यू जनरेशन की चीज़ें हैं, न्यू जनरेशन की थिंग्स हैं, मतलब न्यू जनरेशन की चीज़ है, लेकिन जो बूढ़ी माँ है, जो बूढ़ी माँ है वो क्या है ओल्ड जनरेशन की है, जो मतलब क्या है वो अंत होने का मतलब मार्ग दिखाती हैं, और जो यंग ट्री जो बच्चे हैं जो क्या है वो शुरुआत का मतलब वो दिखा शुरुआत का एक चिन्ह दिखाती हैं, और जो बूढ़ी माँ हैं वो क्या है अंत होने का मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, फिर क्या है बट आफ्टर द एयरपोर्ट मतलब बट आफ्टर द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सिक्योरिटी के चेक करने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एंड हर वन पेल, मैंने क्या है जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई फिर मेरे को सिक्योरिटी ने चेक किया, फिर मैं कुछ दूरी पे खड़े होके मतलब फिर मैंने अपने माँ को देखा, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से अपने माँ को देखा, वान पेल उसका पीला, वान मीन्स क्या होता है मुरझाया हुआ, पीला पेल मीन्स क्या होता है पीला उसका मुरझाया, फिर मैंने अपना मतलब वो बताती हैं कि मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और मेरे को सिक्योरिटी ने चेक किया, सिक्योरिटी के चेक करने के बाद मैं फिर खड़ी हुई और फिर अपने माँ को देखती हूँ, फिर वही चेहरा मेरे को वही मुरझाया हुआ वही पीला चेहरा नज़र आता है। एंड फिर क्या बताएं एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, मतलब क्या है लेट विंटर्स जो जाड़े का चंद्रमा क्या होता है जो क्या है जैसे जैसे विंटर मतलब अंधेरा मतलब बढ़ता जाता है जाड़ा, तो चंद्रमा क्या है थोड़ा धुंधला नजर आता है, तो उसी तरह बताती हैं कि मेरी माँ का भी चेहरा क्या है एकदम धुंधला हो गया है, कि उसकी चेहरे की जो है चमक जा चुकी है, उसकी चेहरे की मजबूती जा चुकी है, कि जो बूढ़ी थी जो पहले की मतलब वो मतलब जो बचपन की स्टोरी बताती हैं कि जो पहले जो चमक थी अब उसके चेहरे पे चमक नहीं रही है, अब उसके चेहरे पे चमक नहीं रही है, वो जा चुकी है, जो उसकी मजबूती है वो खो चुकी है, मतलब क्या है वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका चेहरा है क्या है वो चमक नहीं रही है, उसकी जो चेहरे की स्किन है वो लटक रही है, उसके जो चिक्स हैं जो फेस है मतलब मुरझा गया है, जो तो वो अपने माँ की तरफ इतना दुखी हो जाती हैं कि शायद वो अब जाने वाली हैं, तो फिर क्या बताती हैं फैमिलियर एज, वो फैमिलियर्स के फैमिलियर मीन्स होता है परिचय, एच मीन्स दर्द, अपना परिचय का जो है My childhood fear, but and I said was see you soon, amma. वो अपने बचपन का दर्द क्या है अपने फैमिली अपने बचपन के प्रति मतलब अपने बचपन का दुख मतलब याद करते हुए बताते हैं कि मैंने अपनी माँ को छोड़ के चला गया, मतलब इतने दिन हो गया है आज तब भी मतलब क्या है आज वो माँ बूढ़ी हो गई है, तो अपने दुख को मतलब क्या है वो अपना कुछ समय मतलब वो बचपन के दिन को याद कर लेती है कि मेरी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा कर दिया, आज वो बूढ़ी हो गई, आज वो
आज मतलब क्या है, मूढ़ी हो गई है, उसका चेहरा मुरझा गया है, आज वो जाने वाली है, तो क्या कहते हैं, इस दुख को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, आई सैड वाज, अपनी मत मतलब अपने माँ से कहती हैं, आई सैड वाज, सी यू सून अम्मा, मतलब अम्मा बाय अलविदा, फिर मिलेंगे, सी यू सून, क्या बोलते हैं आप, ऐसे बोलते हैं सी यू सून अम्मा, कि बाय फिर मिलेंगे अम्मा, एंड आल डिड वाज स्माइल, और फिर वो मुस्कुराती हैं एंड स्माइल, कहती आल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल का क्या मतलब है, कि आई डिड वाज स्माइल, स्माइल का मतलब है जो उसका चेहरा है, उसके माँ का है, वो मतलब वो मुरझा गया है, एंड आई स्माइल, और जो है क्या है, वो मरने वाली है, एंड आई स्माइल, और स्माइल का क्या मतलब होता है, कि फिर वो मुस्कुराती हुई चली जाती हैं, बस यहीं पे पोएम ख़त्म हो जाती है। आपको शायद गाइज समझ में आ गया होगा ये पोएम कितनी एलजी मतलब कितना दुख है, एक बेटी अपने माँ के प्रति कितना दुख प्रकट करती है, कि कोई भी बच्चा अपने माँ को खोना नहीं चाहता है, उसी तरह कमला दास ने अपने माँ के प्रति अपने माँ को खोना नहीं चाहते, अपने दुख को उस पोएम के माध्यम से इसमें शेयर किया है। थोड़ा हम लोग चलेंगे, इसको रिविज़न करवाएँगे, फिर देखेंगे, आपको फिर से रिविज़न करवा देते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। Driving from my parents home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. ठीक है, कि मैं ड्राइविंग में क्या होता है, ड्राइव में कार चलाना होता है, मैं अपने कार में बैठकर अपने पेरेंट्स होम टू कोचिंग मतलब घर से कोचिंग एयरपोर्ट मतलब जा रही थी, किसमें, कार में बैठकर, आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज मिस होता है वो उंघा रही थी, ओपन माउथेड उसका मुँह क्या है खुला हुआ था, और हर फेस उसका चेहरा एसन मीन्स होता है राख की तरह, उसका चेहरा ऐसा लाइक दैट मतलब राख की तरह दिख रहा था, आप एक और ऐसा लग रहा था, और फिर जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हो, डेड मीन मतलब सौ, कार्फ मीन्स होता है सौ, ऐसा पड़ा जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हो, एंड मीन्स होता है, और रियलाइज मीन्स था महसूस किया, विद पेन अपने दर्द को महसूस किया, दैट की सी वाज ए ओल्ड एज, कि वो माँ अब इतनी बूढ़ी हो गई है, शी लुक्ड अब ऐसी दिख रही है, कि बट सुन, कि शायद वो जल्दी अब जाने वाली है, कि क्या है, शी लुक्ड बट सुन, वो क्या है, अब ऐसी दिख रही है कि शायद वो अब जल्दी जाने वाली है, मतलब जल्दी मरने वाली है। पुट दैट थॉट अवे, इन विचारों से वो क्या है, इन विचारों से मतलब क्या है, वो बाहर निकलने के लिए वो क्या करती है, एंड लुक्ड आउट ऑफ, और वो बाहर देखती है, कार से खिड़की खोल कर देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज हैं वो क्या हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, और मेरी चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, स्माइलिंग मीन्स क्या है, वो भी घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सिक्योरिटी के चेक करने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स मतलब क्या है, वो कुछ दूरी पे खड़ी होती है, स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ी हुई, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, यार्ड्स मीन्स होता है कुछ दूरी पर खड़ी होती है, यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से अपने माँ को देखा, एंड हर अपनी माँ को, हर मिसाल उसकी माँ, हर वहाँ पे अपनी माँ के लिए यूज हुआ है, मैंने फिर से अपनी माँ को देखा, वान वही पीला मुरझाया, वान मीन्स वही मुरझाया हुआ, पेल मीन्स फिर से वही मुरझाया पीला चेहरा नजर आता है, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेड ओल्ड, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जाड़ों की लेट विंटर, मतलब जैसे जैसे जाड़े में जैसे मतलब लेट विंटर होती है, जैसे जाने वाली होती है, जितना मतलब उतना धुंधला जैसे कोहरा पड़ता है, उसी तरह चंद्रमा भी धुंधला दिखता है, उसी तरह क्या है, उसकी माँ का चेहरा भी धुंधला हो गया, मतलब उसकी चेहरे की चमक जा चुकी है, जो पहले साइन थी अब नहीं रही है, अब चेहरा उसका मुरझा गया है।
फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर बट आई आर सैड आज, मतलब क्या है, वो अपने बचपन चाइल्डहुड क्या है, अपने बचपन की यादों को मतलब क्या है याद कर लेती है तो ज़्यादा फिर से वो टेंशन में हो जाती है, इसलिए वो फिर अपने इस बात को इग्नोर करने के लिए अपने माँ से कहती है सी यू सून मम्मा, ठीक है अम्मा आप फिर मिलेंगे, बाय मम्मा, ठीक है। तो ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर क्या है वो स्माइल स्माइल करती हुई वो चली जाती है। फिर इसके बाद ये पोएट, ये आपका पोएम खत्म हो जाता है यहीं पर स्टूडेंट्स, मतलब फिर ये आपकी पोएम खत्म हो गई। फिर आपको हम बताने वाले हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में, कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया एक्चुअली क्या होती है ना, किसी कहानी या इवेंट या मतलब उसके जो विचार होते हैं, विचार मतलब क्या है, जो एक बड़ी स्टोरी होती है या बड़ी पोएम होती है उसके मुख्य विचार लिखना होता है। क्या सेंट्रल मीन्स होता है, क्या केंद्र होता है ना, सेंट्रल मीन्स केंद्र होता है ना, उसी से बड़ा केंद्रीय, आइडिया मीन्स विचार, मतलब केंद्रीय विचार, अगर ऐसे लगे केंद्रीय विचार वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य विचार, क्या हो जाएगा, मुख्य विचार, ठीक, या केंद्रीय विचार, ठीक है। आपको ये लिखना है सेंट्रल आइडिया एक्चुअली क्या है ना, आपको एक दो लाइनें क्या है वो रटनी पड़ती हैं, ठीक, उसके बाद में जो लिखना पड़ता है वो उसकी जो आपने पोएम पढ़ी है कहानी में, उस पोएम या मतलब या स्टोरी में, मतलब क्या है उस स्टोरी में या पोएम में क्या कहानी बताएगी, सेम वही कहानी जो आपके मन में आ रही है वही मेन मेन विचार आपको इसी में लिखना होता है। यदि आपको मतलब लिखना आता है इंग्लिश, तो मतलब अगर टेंस आते हैं इंग्लिश लिखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती, आपको टेंस सारे आने चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, तब आप मतलब क्या है, आप मतलब ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो एडवांस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये है मतलब लिखने के लिए हिंदी टू इंग्लिश लिखने के लिए ये दो तीन चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बताते हैं आपको सेंट्रल आइडिया एक्चुअली स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं द, हम लिखेंगे पहले द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आपको ये लिखना लिख लेना है, इतनी लाइन आपको लिख लेनी है, ठीक, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। फिर उस पोएम का नाम लिखना है, नाम क्या है, माई मदर एट 66, तो क्या हो जाएगा माई, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में इसको क्लोज कर देंगे, माई मदर एट 66, ठीक, ये हो गया। फिर इतना हो गया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। फिर इसके बाद आता है कि इसके बाद आपके जो पोएट होते हैं, पोएट या पोएटेस, पोएट मीन्स होता है, पोएट मीन्स होता है कवि, और पोएटेस मीन्स होता है कवित्री, ठीक, जो कवि होता है, कवित्री जो होता है गर्ल्स या वुमेन के लिए होता है, और पोएट होता है वो या मैन या व्यक्ति या पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। फिर लिखेंगे कंपोज्ड बाय, जिसने इसको मतलब लिखा है, जिसने बताया है, तो क्या हो जाएगा कंपोज्ड बाई, ठीक है, कंपोज्ड बाई। अब कंपोज्ड बाई किसने लिखा है, इसको किसने बताया है, कमला दास ने, इसको फिर डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, ठीक है, ओके, यू गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में इसलिए बंद कर देंगे, सबसे मेन पॉइंट आपका यही रहता है,
अगर आप एग्जाम में लिखते हैं ना, अगर ये चीज आप लिख दे तब भी अगर यही चीज लिख के अगर चले आएगा, आपको पोएम नहीं आती, आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आती है, आपको लिखना नहीं आता है, बस इतना लिखना आता है, अगर 3 या 4 नंबर का जो भी आपका आता है नंबर का, तो उसमें आपको 1 नंबर जरूर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो पक्का दे देगा, वो काटने वाला नहीं है। अब क्या है, इसके आगे जो है फिर क्या पॉइंट लिखने रहते हैं, ठीक है, आपको फिर जो आपने पढ़ा है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो आपके विचार आप क्या सोचते हैं, ठीक, वो लिखना होता है, ठीक है, जो आप अगर सीखे हो, जो आपके मन में अगर आप हिंदी में सोचते हो ना, अगर उसको कन्वर्ट इंग्लिश में कर लेते हो तब भी आपका थोड़े दिन मिस्टेक होगी बनाने में, फिर क्या है वो हैबिट में आ जाता है, जो चीज़ हैबिट में आ जाती है ऑटोमेटिक वो क्या है वो सही हो जाती है, ठीक है। आप लिखने का ट्राई करेंगे तभी आएगा, अगर लिखने का ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा सर, ठीक है। एक पोएम को एक बार नहीं, 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, 10 बार, जब तक आपको पोएम समझ नहीं, जिस दिन पोएम समझ में आ जाएगी ना, आप उस वीडियो को, पोएम को जो मैंने पढ़ाया है, बार बार उसको देखिए, आपको क्या है पोएम समझ में आ जाएगी, फिर अपने आप सेंट्रल आइडिया आप लिख लोगे, फिर आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगी। फिर आपको यहाँ तक समझ में आया था ना, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम कंपोज्ड बाय, फिर जो पोएटिस का नाम, जो कमला दास है उनका नाम, तो पोएटिस और कवित्री क्या बताती हैं, टेल्स अस, हमें बताती हैं अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, किसके, मनुष्य के, जो मानव के रिलेशनशिप, मतलब मानव के संबंध के बारे में बताती हैं, क्या बताती हैं, बिटवीन मदर एंड हर डॉटर, अब मतलब क्या है, एक माँ और उसके बच्चे, एक वो उसके जो पुत्री है, उसके जो उसका जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में ये बताती हैं, कि बताती हैं कि पोएट बताती हैं, सी डज नॉट वॉन्ट टू लूज हर मदर, वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी, कौन, वो अपने आप को बताती हैं कमला दास, सी डज नॉट वॉन्ट टू लूज हर मदर, वो अपने माँ को खोना नहीं चाहती थी, फिर क्या है, सी वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माँ क्या है बूढ़ी हो चुकी थी, इट सीम्स मीन्स होता है ऐसा लगता है, दैट की सी विल डाई सून, वो शायद जल्दी ही मरने वाली है, सून मीन्स होता है जल्दी, डाई मीन्स होता है मरने वाली है, मर मतलब क्या है, वो जल्दी शायद मर जाएंगी, मतलब इसका मतलब भाव क्या है कि शायद जल्दी ही वो मरने वाली हैं, फिर क्या है, सी केम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थाट, जो ये निगेटिव थाट है उससे ये बाहर आने के लिए क्या करती हैं, सी सादी रन, वो अपनी कार से बाहर आती हैं, सी सादी रन, वो क्या देखती हैं, टू सी सा टू रन, वो क्या है, वो भागते हुए पेड़ों को देखती हैं, एंड चिल्ड्रेन इज कमिंग फ्रॉम देयर होम, और उन बच्चों को देखती हैं जो घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखती है और भागते हुए पेड़ों को देखती हैं, फिर कहती हैं रीचिंग एट एयरपोर्ट, रीचिंग मीन्स होता है पहुंचकर, ठीक है, अब मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचकर, जब भी वर्ब प्लस आईएनजी स्टार्टिंग में आता है ना तो उसका हो जाता है कर, क्या होता है, कर या करके, ठीक है, तो कहे रीचिंग एट एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे पहुंचकर, आफ्टर चेकिंग द सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी के चेक करने के बाद, क्या लिखा, आफ्टर मीन्स बाद, चेक मीन्स होता है जांच करना, द सिक्योरिटी मीन्स जो सिक्योरिटी गार्ड होता है चेक करना, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के चेक करने के बाद फिर क्या देखती हैं, फिर वो देखती हैं हर फेस लुक्स कलर, वो अपने माँ को देखती हैं कि उनको, फिर देखती हैं कि उनका जो चेहरा है, जो उनकी माँ का लुक्स कलरलेस, मतलब क्या है, उनके चेहरे की कलरलेस, मतलब उनके चेहरे की जो है चमक वो जा चुकी है, अब कलर वो नहीं रहा है, जो पहले वो बचपन में क्या है, वो देखती थी अपनी माँ, उनकी कितनी स्मार्ट लगती थी, कितनी चमक थी, अब वो कलर नहीं रहा है, मतलब कलरलेस हो गया है उनका चेहरा, फिर बोलती है सी बिकेम वेरी सैड, मतलब यह सोच कर क्या है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, एंड और सैड टू हर, और ये मतलब क्या है, इस दुख को इग्नोर करके वो बोलती हैं सी सैड टू हर, वो अपने माँ से बोलती हैं सी यू सून अम्मा, फिर माँ मिलेंगे, फिर सी यू सून अम्मा, बाय बाय माँ, फिर मिलेंगे माँ, ठीक है।
ये यहाँ पे आपकी सेंट्रल आइडिया ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में बता दिया, पोएम के बारे में समझा दिया है। आपको एक बार भी नहीं समझ में आता है, आप ये वीडियो पड़ी रहेगी लाइफ टाइम, एक आप एक बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार आप दे सकते हो। शायद आप एक बार नहीं 2 बार दोबारा देखोगे, 3री बार आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यू कंसिडर ऑल पोएम एंड सेंट्रल आइडिया। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग my video।